हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली टूल में से एक है। एमएस वर्ड का उपयोग हम लेटर लिखने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए, या कोई हमें रिपोर्ट बनाना हो, या कोई सर्टिफिकेट बनाना हो आदि बहुत से कामों के लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जो एमएस वर्ड सीखने वाले हैं वह एमएस वर्ड की सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365 है और साथ ही में हम एमएस वर्ड 2010 के भी इंटरफेस को देखेंगे। यहाँ पर आपका पूरा फोकस सीखने पर होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से वर्जन पर सीख रहे हैं। आप एक बार एमएस वर्ड सीखने के बाद आप इसे किसी भी वर्जन पर आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन से यही फायदा होता है कि आपको यहाँ पर एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो आपके काम को और भी अट्रैक्टिव दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब बस यही है कि आप फोकस सिर्फ सीखने पर कीजिए, वर्जन से यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना है। तो चलिए अब हम पीसी पर चलते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड टाइप करें। यहां पर वर्ड का ऐप आ गया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप स्टार्ट विंडोज में जाएं और यहां से एमएस वर्ड को सेलेक्ट करें। तीसरा तरीका यह है कि आप रन कमांड खोलें। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड, ओके कर देंगे। इस तरह से आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। जब आप ऑफिस 365 ओपन करेंगे तो आपको कुछ एमएस वर्ड का इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपने जो भी रिसेंट काम किया है वह सारे फाइल आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप डायरेक्ट यहीं से फाइल ओपन करके काम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया गया जिस पर हम काम करते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अगर आप इस टेम्पलेट्स में काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाने हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेम्पलेट ओपन हो गया है, आप यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में सीखेंगे तो अभी हमें इसका काम नहीं है। सो गाइस, अगर आप ये टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई टेम्पलेट को सर्च करना तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन यहाँ से ले सकते हैं। सो ये तो एमएस वर्ड 365 का इंटरफेस है। एमएस वर्ड 2010 कुछ इस तरह से डायरेक्ट ओपन होगा। यहाँ पर आप फाइल पे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट पे काम किया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको टाइटल बार दिखेगा। हम अपनी फाइल को जिस भी नेम से सेव करेंगे वह नाम आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर नीचे में आपको क्विक एक्सेस टूलबार मिलता है। आप यहाँ पर ऐसे टूलबार ऐड कर सकते हैं जिनका काम आपको हमेशा पड़ता है। यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू पहले से दिया हुआ है, इनकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है अंडू रीडू सेव की। अगर इसके अलावा आप क्विक एक्सेस टूलबार में कोई और टूल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम प्रिंट का अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर देंगे तो यहाँ पर प्रिंट का आइकन आ गया है। सो गाइस, इस तरह से आप कोई भी टूल बार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिनका काम आपको अक्सर पड़ता है। यहाँ पर आप जो ये सारे देख रहे हैं इसे हम रिबन कहते हैं। हर रिबन में आपको टैब्स मिलेंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, इन सबको हम टैब्स बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ये ऑलरेडी होम टैब में रहता है। हर टैब में आपको कमांड्स मिलेंगे जिन पर हम काम करेंगे। यहाँ हर ब्लॉक में आपको अलग अलग कमांड्स दिए गए हैं। क्लिपबोर्ड ब्लॉक में आपको पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पैटर्न मिल रहा है। फॉन्ट में आपको सारे फॉन्ट से रिलेटेड कमांड मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम यही इंटरफेस आपको एमएस वर्ड 2010 में भी मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी आप टूल बार में जो भी कमांड ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जो फीचर्स मिल रहा है वह है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ पर आप कोई भी कमांड को डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर ला सकते हैं। जैसे हमें अगर मेल मर्ज करना है तो हम यहाँ पर मेल मर्ज टाइप करेंगे तो आप यहीं से मेल मर्ज को ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ये न्यू फीचर्स मिल रहा है जो कि 2010 में नहीं है। सो ये एक्स्ट्रा फीचर आपको 365 में देखने को मिलेगा। साथ ही में एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल रहा है डिजाइन का। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन दिए गए हैं, आप इन सब डिजाइन का यूज कर सकते हैं। अब आप जो भी टाइप करेंगे वह इसी डिजाइन पे टाइप होगा।
राइट साइड में आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने रिबन को हाइड कर सकते हैं। अगर हम ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी रिबन हाइड हो गई है। अगर आपको इसे लाना है तो आपको यहाँ पर ऊपर पे क्लिक करना होगा, लेकिन जैसे ही आप वापस पेज में जाएंगे तो ये रिबन हट जाएगा। अगर आपको सिर्फ रिबन टैब्स देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सो टैब्स में, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टैब्स दिखेंगे और टैब्स के अंदर जो भी कमांड है वह नहीं दिखेंगे। अगर आपको टैब्स के अंदर के कमांड्स को देखना है तो आपको उस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करना होगा, तभी कमांड आएगा। पर जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे यह कमांड चला जाएगा, तो आपको कमांड देखने के लिए पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है सो टैब्स एंड कमांड्स। अगर आप टैब्स और कमांड दोनों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो अब हमें टैब्स और कमांड दोनों दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टोर डाउन। यहाँ से आप अपने एमएस वर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और फीचर जो हमें एमएस वर्ड 2010 में नहीं मिल रहा है वह है शेयर का। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं वन ड्राइव में शेयर करने के लिए। आप इसे वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में अटैच कर सकते हैं, जो कि यह फीचर लेटेस्ट वर्जन में है। ये फीचर्स आपको 2013, 16, 19 और ऑफिस 365 में मिलेगा, जो कि आपको 2010, 2007, 2003 में अवेलेबल नहीं है। ये एक नया फीचर है। दूसरा, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। नीचे में आपको स्टेटस बार शो होता है, आप यहाँ पर करेंट स्टेटस पता कर सकते हैं, लाइक आप कितने पेज पे काम कर रहे हैं, आपने कितने वर्ड्स को टाइप किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट लेआउट मिलते हैं देखने के लिए, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। यहाँ से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, आप अपने पेज को जितनी भी साइज रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल बार है, आप स्क्रॉल बार से अपने पेज को अप एंड डाउन देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में रूलर दिया गया है, आप रूलर को सेट करके पेज सेटिंग करते हैं। जब आप लेटर वेटर लिखेंगे तो यहाँ पर हम पेज सेटिंग करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वर्ड में वह है फाइल का। फाइल में आप यहाँ से अगर न्यू डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है ओपन। ओपन पे क्लिक करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वन ड्राइव में सेव करके रखी है तो हम यहाँ वन ड्राइव से ओपन कर लेंगे। अगर आपके पीसी में है तो आप यहाँ पर पीसी से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वह सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि हमने अभी रिसेंट बनाया है। तो अगर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो आप डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल ब्राउज करनी है तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। अगर आपने कोई फोल्डर बनाकर डॉक्यूमेंट को रखा है तो आप यहाँ पर फोल्डर से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव। अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे है सेव एज डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी अदर नेम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। लाइक अगर हम पीसी में सेव करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कोई भी फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ पर सेव ऑप्शन इनेबल हो गया है, सेव पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको इतने सारे फॉर्मेट मिलते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आपको अपने फाइल को सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। अगर आपको प्रिंट करना है तो हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वह है शेयर का। अगर आप अपने फाइल को वन ड्राइव में शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको एक्सपोर्ट का मिलता है। अगर आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में, या अपने फाइल टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज। अगर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहां से हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें इसी डॉक्यूमेंट में अभी काम करना है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। सो गाइस, सेम ऑप्शन 2010 की फाइल में आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। सेव, सेव इज, ओपन, क्लोज, सेव एंड सेंड। यहाँ पर आप इसे ईमेल में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वेब में सेव करना है तो वेब पे सेव करते हैं। यहाँ पर शेयर पॉइंट में भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिश करना है एज अ ब्लॉग पब्लिश करना है तो आप यहाँ पर ब्लॉग में पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल टाइप्स है, अगर आप फाइल टाइप्स को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ बना सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको एमएस वर्ड का इंटरफेस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने देखा आप कोई भी वर्जन में काम करेंगे कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए आपको वर्जन को लेकर बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आप बस सीखिए। एमएस वर्ड के नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब के पूरे कमांड को अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।